Okay, let's start. So, आज का जो दो टॉपिक हमारे लिए रहेगा, जो बेसिक चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो दो चीजों को रिलेट करके करेंगे। वन इज द ओएसआई मॉडल एंड सेकेंड वन इज अबाउट द टीसीपी और आईपी मॉडल। आपको इंडिविजुअली वो चीजें पढ़ना, मतलब आपको अगर कहीं पे ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली आपको ओएसआई मॉडल और टीसीपी मॉडल दोनों इंडिविजुअली मिलेंगे, ठीक है। पर मैं यहाँ पे आपको जो पढ़ाऊंगा वो इंडिविजुअली नहीं पढ़ाऊंगा, मैं दोनों को कंबाइनली पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले बता दूंगा एक्चुअली ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल है क्या, उनके बाद एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर दोनों का रोल किस तरह से प्ले होता है, ओके। प्रॉपर एग्जांपल लेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है हमारा ओएसआई मॉडल, ओके। तो ओएसआई मॉडल का फुल फॉर्म होता है हमारा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओके। बेसिकली ओएसआई क्या करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ओएसआई मॉडल। अगर हम एक बात को जॉस करें तो वहां पे ऐसा मिलता है कि हमारे आज के जमाने की अगर बात करो, फिर स्टार्टिंग के दिन की बात करो, तो हमेशा एक चैलेंज हमारे पास रहता है कि हमें मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है। और कनेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ता है, उनके ऊपर इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करना पड़ता है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन को शेयर करना पड़ता है। अगर उस चीज के बारे में अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें और उस चीज को हम अगर डीपली सॉरी उस बात को अगर डीपली हम एग्जामिन करें तो आपको क्या मिलता है, तो बेसिकली आपको ये व्यू होगा कि वहां पे जब इंफॉर्मेशन नेगोशिएट होगा तो वहां पे कुछ दिक्कत रेज होने का चांसेस रहता है। लाइक अगर मैं अगर बात करूं, अगर आप ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वहां पे बैठ के बातचीत कर रहे हो कोई टॉपिक को लेकर, ऑब्वियसली हम ह्यूमंस हैं, फिर भी कुछ कुछ गलत बातें किसी किसी के मुंह से निकल जाती है, ऑब्वियसली बात है। वैसे ही डिवाइसेस जब लाइक ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस जब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं इंफॉर्मेशन को नेगोशिएट करने के लिए, तो वहां पे कुछ ना कुछ दिक्कत रेज होने का चांसेस रहता है। मे बी वो हार्डवेयर के बेसिस पे हो, नेटवर्किंग के हो, या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, कुछ ना कुछ इश्यूज वहां पे होता है। तो बेसिकली ओएसआई मॉडल क्या करता है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ शेयरिंग करने के लिए, अगर कोई रिसोर्सेस वगैरह वो अगर शेयर करता है और ड्यूरिंग द शेयरिंग वहां पे कुछ ट्रबल शूट होता है, मतलब वहां पे कुछ दिक्कत अगर आपके सामने आते हैं तो सारे प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि उसको सॉल्व आउट करके प्रॉपर मेंटेन करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो होता है हमारा ओएसआई मॉडल, फाइन। तो ओएसआई मॉडल इस चीज को करने के लिए, ठीक है, एक्चुअली ओएसआई जो इन्वॉल्व मतलब इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए पहले किया गया था, उसको डिजाइन किया गया था 1984 में, और जिसने उसको डिजाइन किया था वो है हमारा आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ओके। सो दिस इज द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच वाज डेवलप्ड द ओएसआई मॉडल, ओके। तो ट्रबल शूट करने का मेन चीज क्या है, तो ट्रबल शूट करने के लिए ओएसआई मॉडल में एक स्पेसिफिक टेक्निक को वहां पे इस्तेमाल कर दिया गया, जो ये था कि लाइक वो मॉनिटर करेगा इंफॉर्मेशन के फ्लो को, लाइक ठीक है, अगर मेरा डिवाइस मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट है और वो उनके बीच में इंफॉर्मेशन नेगोशिएट हो रहा है, तो कोई पर्टिकुलर डिवाइस के थ्रू जब इंफॉर्मेशन मेरा जेनरेट होगा और वो जेनरेट होके कौन से डिवाइस को क्रॉस करके डेस्टिनेशन तक तो पहुंचता है, वो प्रॉपर वो इंफॉर्मेशन जेनरेट होने से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो पूरे इंफॉर्मेशन के ऊपर वो क्या करेगा, खुद एक मॉनिटर सॉरी खुद उसको मॉनिटर करेगा। तो कहीं पे अगर दिक्कत हुआ पैकेट वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा, आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, जहां पे ड्रॉप होगा हमें उस जगह का पता लग जाएगा, हम उसी डिवाइस के पास जाएंगे या फिर उस एरिया के पास जाएंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, तो वहां पे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अगेन कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरह के कुछ बेसिक आइडिया, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके मार्केट में जो पहला मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था वो था हमारा ओएसआई मॉडल, जो ये बताता है हाउ टू कनेक्ट डिवाइसेस। लाइक हम आप
मल्टीपल डिवाइसेस का आपस में किस तरह से कनेक्ट कर पाओगे जिसके थ्रू आपस में प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाए। सेकेंड थिंग्स, अगर उनमें कम्युनिकेशन के दौरान कुछ दिक्कतें आ रही हैं तो उसको आप ट्रबल शूट किस तरह से करोगे। तो दीज आर द मेन कॉन्सेप्ट्स बाय विच आईएसओ ओएसआई मॉडल को डिजाइन किया था। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए ओएसआई मॉडल को हमने क्या किया, सेवन लेयर्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो सेवन लेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। जो सेवन लेयर्स में उसको हमने डिवाइड किया था वो कुछ इस तरह से है, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। ओके, सो इस तरह से कुछ सेवन लेयर्स में उसको डिवाइड किया गया था। यहाँ पे मैंने जो आपके सामने उसको अरेंज किया है वो मैंने उसको डिसेंडिंग के ऑर्डर में मैंने उसको अरेंज किया, लाइक ये मेरा सेवेंथ लेयर है एंड फिजिकल है मेरा फर्स्ट लेयर। ओके, तो ओएसआई मॉडल में कुछ फ्लॉज रहे, ठीक है, जो क्या है ना, ये तो अच्छा वाला कॉन्सेप्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दिया कि नेटवर्क को इस तरह से डिजाइन करना है, अगर कुछ दिक्कत आता है तो आप उस तरह से उसको ट्रबलशूट भी कर पाओगे, पर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होने के टाइम ओएसआई मॉडल इंप्लीमेंट नहीं हो पाया ड्यूरिंग सम फ्लॉज, कुछ दिक्कतें थे उसमें जिसके वजह से ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। अगर इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा इसके वजह से हम ओएसआई मॉडल को इंप्लीमेंटेड, सॉरी आज के जमाने में जो डिवाइस के ऊपर हमारा डिवाइस काम करते हैं जिस मॉडल के थ्रू, उस मॉडल का अगर हम कंपेयर करें ओएसआई मॉडल से, तो ओएसआई मॉडल हमारा एक रेफरेंस मॉडल की तरह रह गया, लाइक जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट वाइज हर चीजों को समझने के लिए। ठीक है, और बाद में उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया जो था हमारा टीसीपी और आईपी मॉडल। टीसीपी और आईपी दैट मींस दैट ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड द इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं जो हमारा मेजर नेटवर्क को मैनेज करने के टाइम यूज होता है, लाइक नेटवर्क को फॉर्म करना और इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को आपस में नेगोशिएट करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उस चीज को इन दोनों प्रोटोकॉल परफेक्टली मैनेज करते हैं। इस वजह से इन दो प्रोटोकॉल वहां पे इंपॉर्टेंट रोल, लाइक आज के जमाने में हम डिवाइसेस और मल्टीपल डिवाइस के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, वहां पे जो मेन रोल है और जो ऐसा बोल सकते हो कि जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करते हैं वो टीसीपी और आईपी प्ले करते हैं। इस वजह से इन मॉडल का नाम, इस पर्टिकुलर मॉडल जो नया डिजाइन किया गया जिसके थ्रू आज के डिवाइसेस परफेक्टली काम कर पा रहे हैं, परफेक्टली इंफॉर्मेशन आपस में नेगोशिएट कर पा रहे हैं, वो है हमारा टीसीपी और आईपी मॉडल। ओके, तो ओएसआई मॉडल इंप्लीमेंट नहीं हो पाया इस वजह से वो रेफरेंस मॉडल है, और टीसीपी आईपी मॉडल अभी हम यूज कर रहे हैं तो इसके मतलब वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो चुका है और हमारा पूरा का पूरा डिवाइस जो परफेक्टली काम करता है वो अकॉर्डिंग टू टीसीपी और आईपी मॉडल काम करता है। इसके वजह से हम टीसीपी आईपी मॉडल को क्या बोलते हैं, इंप्लीमेंटेड मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो जो इंप्लीमेंटेड मॉडल है उसमें भी कुछ पर्टिकुलर लेयर्स है, वो सेम ही कॉन्सेप्ट कैरी करता है ओएसआई मॉडल की तरह, किसको ट्रबल शूट करने के लिए, और उसको ट्रबल शूट करने के लिए भी क्या चाहिए, कुछ स्पेसिफिक लेयर्स, यानी कि इतने सारे काम को मैनेज कर रहा है ओएसआई मॉडल की तरह, तो ऑब्वियसली उसके काम करने के तरीके को हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेसिफिक लेयर्स में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि हम उसको क्या कर सके, इजिली ट्रबल शूट कर सके। ठीक है, तो उस काम को करने के लिए टीसीपी आईपी मॉडल को बेसिकली इस तरह से कुछ बनाया गया था। पहले एक लेयर बनाया गया था जो था हमारा एप्लीकेशन, सेकेंड था हमारा ट्रांसपोर्ट, थर्ड था हमारा इंटरनेट, एंड देयर इज द ओनली वन मोर लेयर व्हिच इज नोन एज द लिंक लेयर। तो पहले जो टीसीपीआईपी मॉडल मार्केट में डिजाइन किया गया था वो इस तरह से कुछ चार लेयर्स को लेकर बनाया गया था, जहां पे ओएसआई मॉडल का एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन हेलो
सर। हेलो, यस सर। हाँ कोई नया ज्वाइन किया है जी सर मेरे जी। ग्रुप में? हाँ या सर, हेलो, मैं हूँ, आपका साथ नाम राज? हूँ सर। ओके, आपका सर कार्तिक, ओ सर कार्तिक, कार्तिक कार्तिक अपने नाम चेंज कर दिया राज को? सर। यस, मेरे को लगा सर कोई और क्लास होगी। अरे कार्तिक, ये तो नेटवर्किंग का बैच है, आपको तो ये चाहिए था ना, हमारा क्या बोलते हैं उसको, आपको मेरे को सीनियर बैच है। मैम ने दे दिया था लिंक को, मेरे को लगा कोई नहीं, ये हमारा नेटवर्किंग का बैच है, ऑलरेडी आपका तो नेटवर्किंग हो चुका है ना, ठीक है, सर। ओके। तो आप चाहो तो बैठ सकते हो, कोई ऐसी कोई बात नहीं, सुनिए, ठीक है, और हाँ देखते पर हैं। हेलो सर, मैं देख रहा हूँ। ओके डन। तो यहाँ पे पहले क्या था, टीसी पाइपी मॉडल में इस तरह से चार लेयर्स बने थे, जहां पे ओएसआई मॉडल के एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन और तीनों लेयर को यूज करके कंबाइन करके एक लेयर फॉर्म हुआ था, जो था हमारा एप्लीकेशन लेयर। बाकी ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर ही था, नेटवर्क लेयर यहाँ पे नाम चेंज करके इंटरनेट लेयर बन गया था, और हमारा डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कंबाइन करके एक लेयर बना दिया गया था, जो था हमारा लिंक लेयर। बाद में डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में कुछ ट्रबल, मतलब उसको ट्रबल शूट करने के लिए हमें दिक्कत हुआ, जब प्रॉब्लम्स रेज हुए डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में, उस चीज को ट्रबल शूट करने के लिए हमें क्या हुआ, थोड़ा दिक्कत हुआ। तो उस दिक्कत को सॉल्व आउट करने के लिए हमें क्या पता लगा कि डेटा लिंक और फिजिकल दोनों इक्वली काम करते हैं, लाइक दे आर, मतलब वो आपस में उनका बॉन्डिंग थोड़ा टाइट है, पर दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल्स, उनका जो बिहेवियर है वो क्या है, दोनों बेसिकली डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके वजह से बाद में जो जब उसको ट्रबल शूट किया गया, तो वहां पे दोनों का ट्रबल शूटिंग एक साथ एग्जीक्यूट होना थोड़ा डिफिकल्ट हुआ हमारे लिए, हम उसको थोड़ा इजीली सॉल्व आउट नहीं कर पाए। इसके वजह से उसको अगेन क्या गया, अपडेटेड कर दिया गया TCP/IP मॉडल को हमारा, जो अभी हमारे मार्केट में, यानी कि अभी हम जो डिवाइस के ऊपर यूज करते हैं, वो सारा का सारा इस अपडेटेड वाला TCP/IP मॉडल है, जिनमें एप्लीकेशन एप्लीकेशन ही है, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ही है, इंटरनेट यहाँ पे अगेन नाम चेंज करके नेटवर्क बन गया, और आपका यहाँ पे लिंक लेयर अगेन डेटा लिंक एंड फिजिकल। तो अभी का जो लेयर है आपका, अभी वो 5 लेयर्स में है, जो अपडेटेड TCP/IP मॉडल है, और ये अभी हमारे सारे डिवाइस के ऊपर सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड है, जिसके थ्रू हमारे डिवाइसेस आपस में क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। क्लियर गाइस, यहां तक किसी को कुछ डाउट्स हैं? सर, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल की थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर नहीं है। जी डेफिनेशन क्लियर? सर। हेलो। हेलो सर, का नेट चला गया क्या? आया। गया सर का नेट ही गया। देखते हैं क्या होगा।
गए सर। तो भाई तुम लोगों ने पहले कोई लगाई क्लास या यही है पहली? नहीं ये तो पहली है यार। मैंने भी वही मतलब कहते नेटवर्किंग वो हो जाएगा मतलब बेस बन जाएगा, तो मैंने भी पहले नेटवर्किंग स्टार्ट। तुम्हारा पहला नेटवर्किंग है क्लास? हाँ ये नेटवर्किंग ही की है, मतलब वैसे तो मतलब एथिकल हैकिंग होती है। हाँ हाँ, तो मतलब और भी बैच चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? पहले ये स्टार्ट किए हो? यही स्टार्ट किया है, मतलब जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएंगे तो बाद में वो CEHP सी हो जाएगा। हाँ, और पाइथन का? नहीं, कुछ नहीं, पहला मेरा यही है। अच्छा, इसके बाद CEH वाला देखूंगा, उसके बाद WebPT, उसके बाद पाइथन और मोबाइल वाला और फोरेंसिक वाला। कहाँ रहते हो भाई? मैं भाई हरियाणा में, हरियाणा में दिल्ली में, मतलब दोनों जगह ही चलते हैं अभी कहाँ हो? अभी हरियाणा में। जब ये कोरोना वाला हो जाएगा फिर दिल्ली में जाऊंगा, फिर वहां पे लगाऊंगा क्लासेस। यहाँ फैमिली या फिर रेंट रूम पे फैमिली रहते हो? फैमिली होती है। तो वहां पे गए हुए हो भाई दिल्ली में इनकी ब्रांच में तुम? नहीं, ये तो ऑनलाइन लॉकडाउन में ही किया था, तो मैं अभी गया तो था, शायद मैं लास्ट ईयर गया था उनके पास। यही ना, ये लाजपत नगर के साइड है, नहीं लाजपत नगर वाली, दो दो साकेत तीन ब्रांचेज हैं इनकी। साकेत साकेत साइड है, मेन ब्रांच हाँ साकेत में है। हाँ मैं साकेत वाली में गया था, वैसे मेन ब्रांच शायद लक्ष्मी नगर वाली है। तीन ब्रांच, एक साकेत में, एक लक्ष्मी में और एक शायद रोहिणी में है, M2K में हाँ रोहिणी वाली शायद अभी खोली है इन्होंने, खुली हुई है। अच्छा मतलब अभी, मतलब थोड़ा टाइम पहले ही है वो। अच्छा यार मेरा तो वही मन था कि मैं ऑफलाइन ही लगाऊं, पर अभी कोरोना हो गया तो यहीं रुकना पड़ा। हाँ, अभी तो ज्यादा बेस्ट ही है। और मेरे हिसाब से पूरा साल चलेगा अभी। ये सर आ गए। आ गए, वेलकम बैक सर। अरे यार यहाँ पर इंटरनेट चला गया यार। मैं फ्लो में था, समझाने के फ्लो में, मैंने उसको देख ही नहीं पाया कभी इंटरनेट का डिस्कनेक्ट। ओके तो बेसिकली चीजें यही है, ठीक है। अब कहाँ तक समझे थे इस चीज को? वो सेम मॉडल बता दिया था। सर वही मतलब डेफिनेशन का थोड़ा क्लियर नहीं था, मतलब OSI मॉडल की और TCP/IP मॉडल की, मतलब डेफिनेशन और कैसे ये वो करता है। देखो इसका जो टेक्निकल चीजें होता है ना, लाइक ये क्या है बेसिकली, OSI मॉडल का डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई द फुल फॉर्म ऑफ OSI मॉडल इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। सर बेसिकली इट प्रोवाइड, इट इज अ सेवन लेयर्स मॉडल बाय व्हिच वी कैन मैनेज आवर सिस्टम, और सॉरी टू मैनेज आवर सिस्टम टू कनेक्ट विथ मल्टीपल और टू इंटरैक्ट विथ मल्टीपल डिवाइसेस एंड शेयर द रिसोर्सेस परफेक्टली एंड मतलब जो कनेक्ट सेकेंड। हाँ कर सकते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। वो लाइक आपके डिवाइस अगर किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर रहा है, जी सर इंफॉर्मेशन वगैरह को, रिसोर्स मतलब रिसोर्सेस को नेगोशिएट कर रहे हैं, जी अगर सर रिसोर्सेस को नेगोशिएट करने के टाइम कोई दिक्कत भी हो रहा है, उसको ट्रबल शूट करने का मेथड भी आपके सामने वो ला रहा है, तो जी इस सर तरह के मॉडल के मतलब इस तरह के मॉडल जो पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था जी वो OSI मॉडल ये, ठीक है। जी सर तो बात की बात है कि उसमें कुछ दिक्कत था, वो बात की बात है, ठीक है।
लाइक सर एंड्रॉइड टाइप। एंड्रॉइड टाइप नहीं, एक्चुअली क्या है ना, ये थियोरेटिकली बेस्ड था, ओके सर। इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ प्रॉपर कॉन्सेप्ट ओएसआई मॉडल में नहीं थे, जिसके वजह से हम ओएसआई मॉडल को क्या नहीं कर पाए, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने पाए। बाद में एक नया मॉडल का हमें डिजाइन करना पड़ा था, जो था हमारा TCP/IP मॉडल। इसमें ओएसआई मॉडल का हर एक फ्लॉस को वहां पे करेक्ट करने की ट्राई कर दिया गया, जहां पे ओएसआई मॉडल का जो मेन मेन फ्लॉ ये था कि वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा था, उस चीज को ट्रबल शूट करके उसमें प्रैक्टिकली एक स्ट्रक्चर बनाया गया, जो था हमारा TCP/IP मॉडल। ठीक है, TCP/IP मॉडल कुछ नहीं है, एक मॉडल है, एक टिपिकल मॉडल है जो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो रहा है आज के हर एक डिवाइस के ऊपर, जिसके थ्रू डिवाइसेस हमारे परफेक्टली आपस में कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं और रिसोर्सेस वगैरह नेगोशिएट कर पा रहे हैं। और सेकेंड थिंग इज दैट, सॉरी द थर्ड थिंग इज दैट, कि वो अगर रिसोर्सेस वगैरह नेगोशिएट होने के टाइम अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स राइज हो रहे हैं वहां पे, तो उसको ट्रबल शूट कर रहे हैं वो इजिली। मतलब एक ट्रबल शूट करने के लिए एक स्पेसिफिक पाथ भी हमारे सामने क्या है, वो ला रहे हैं। तो इस तरह से आज के जमाने में TCP/IP मॉडल काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी ले चुका है। ठीक है, मतलब सर कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल है। हाँ, ये हेल्पफुल है। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना, लाइक अगर आपका डिवाइस और मतलब आपका अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी है पर आपका इंटरनेट चल नहीं रहा, आप मेरे क्या करते हो? सर बंद करके दोबारा चलाऊंगा। फिर भी नहीं चला तो सर मैं शॉप वाले के पास जाऊंगा, अगर ज्यादा इशू आ रहा है तो। वो इतना तो इतना टाइम थोड़ी होगा, पहले आप क्या करोगे, अगर बेसिकली बात करें तो आप पहले क्या करोगे, चेक करोगे कि मेरा सॉफ्टवेयर वगैरह। हाँ, रीस्टार्ट करूंगा सर फिर डिवाइस को। फिर डिवाइस को तो आप स्टार्ट कर लोगे, वो तो उन्होंने बोल दिया रिस्टार्ट करोगे। रिस्टार्ट करने के बाद भी अगर नहीं चला तो हम क्या करते हैं, वहां पे उसका सॉफ्टवेयर चेकिंग करते हैं कि एक्चुअली जो अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर क्या आता है, यानी कि उसका क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका, ड्राइवर्स। वहां पे ड्राइवर्स चेक करते हैं कि प्रॉपर ड्राइवर है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि ड्राइवर क्या करता है, एक कोऑर्डिनेशन बनाता है हमारा हार्डवेयर डिवाइस के साथ और हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ हमारे सिस्टम को। ठीक है, वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको चेक करता है, यानी कि सॉफ्टवेयर बेसिस पे पहले हमें उसको क्या करना पड़ता है, ट्रबल शूट करना पड़ता है। उसके बाद फिर अगर वो सब कुछ सही है तो चेक करते हैं आईपी एड्रेसिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद फिर आते हैं एनआईसी कार्ड के ऊपर, लाइक हार्डवेयर अब हमारा ठीक है कि नहीं है, शायद वो काम नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट और जो बेसिक मेथड्स आप फॉलो करते हो एक नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए, वो कहाँ से किस तरह से आता है, वो बेसिकली इस हायरार्किकल मॉडल से आता है जो सेवन लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब सॉरी जो सेवन लेयर से बनाया गया है, वो बेसिकली होता है हमारा ओएसआई मॉडल, पर वो तो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। जो इम्प्लीमेंटेड मॉडल है वो है हमारा TCP/IP मॉडल। तो फिलहाल अभी जो इम्प्लीमेंटेड, मतलब अभी जो हम ट्रबल शूटिंग करते हैं या फिर रिसोर्सेस वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पे फॉरवर्ड करते हैं या फिर मल्टीपल डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये सारा का सारा चीज हमारा TCP/IP मॉडल के थ्रू क्या होता है, नेगोशिएट होता है। ठीक है सर, तो अभी अगर हम वर्क कर रहे हैं सारा चीज सर, तो TCP मॉडल पे। यस, TCP/IP मॉडल के ऊपर। ठीक है, सर जो दोनों मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोला जाता है या मतलब प्रॉब्लम बताता है, ये चीज थोड़ा सा, ये आपको ये बताएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है किस जगह पे। ओके, तो सॉल्व वो अपने को खुद वो देखना, एडमिनिस्ट्रेटर को पता लग जाएगा। पहले क्या होता था, पहले अगर वेरी फर्स्ट टाइम की बात करें तो वहां पे इस तरह से कुछ पता ही नहीं चलता था। हम वहां पे क्या करते थे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया डेटा कम्युनिकेशन का टाइम, तो सोर्स टू डेस्टिनेशन हर एक जगह को इंडिविजुअली क्या करना पड़ता था, ट्रबल शूट करना पड़ता था, जो कि काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस था और इसको बोल सकते हो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस था। ठीक है, तो उस चीज को इजी मेथड में लाने के लिए जब हमने इस मॉडल को डिजाइन किया, तो मॉडल के थ्रू क्या हुआ ना, अभी TCP/IP मॉडल को अगर हम यूज करेंगे तो आपको क्या करेगा ना, डिवाइस पे कहीं पे कुछ दिक्कत है तो वो हमें क्लियरली बता देगा कि आपको इस पर्टिकुलर लेयर में यहाँ पे दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर लेयर्स पे जाएंगे। ठीक है,
वहां पे उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्व, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है उसको बिल्कुल फॉलो करेंगे, और जो सुइटेबल सॉल्यूशन होगा उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद वो प्रॉब्लम्स मेरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमारे डिवाइस के ऊपर कम्युनिकेशन कैसा स्मूथली चलेगा। ठीक है, गॉट इट तो सर, इस तरह के पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए OSI मॉडल और हमारे TCP/IP मॉडल को डिजाइन किया गया था। फाइन, सर एक भी लाइक कैसे, ये कोई फिजिकल चीज होती है या मतलब कोई एप्लीकेशन नहीं, होती ये हमारे पूरा का पूरा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, लाइक हमारे कुछ गाइडलाइंस है, लाइक हमारे जब हम आज ए ह्यूमन अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया जी सर? इंडिया गवर्नमेंट ने क्या क्या है कुछ रूल्स और रेगुलेशन सेट किए। ठीक जी सर है, जैसे कि अगर रोड के ऊपर जा रहे हो तो हमेशा रोड के लेफ्ट साइड पे चलना है। जी सर ठीक है, तो इस तरह से कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि नहीं है, अगर कहीं पे अगर ट्रैफिक लाइट है रेड है इसका मतलब रुक जाना, तो जी ये सर क्या मतलब ये जो रूल्स है ये कहीं पे फिजिकली अवेलेबल है या फिर वो लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड में अरेंज है जिसको हमें क्या करना पड़ता है फॉलो करना पड़ता है। जी सर लॉजिकली है ये, मतलब लॉजिकली है जी ना, सर कोई तो कहीं पे कुछ ऐसा नहीं है कि ये देखो ये घूम रहा है ये है लॉ, ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है ना। जी तो सर वैसे ही OSI मॉडल है कंप्लीटली एक लॉजिकल हायरार्किकल मॉडल है जो 7 लेयर्स पर डिजाइन किया गया है, और उसको हमें क्या करना पड़ता है कॉन्सेप्चुअली उसको समझना पड़ता है, और उसके थ्रू हमारा सारा का सारा डिवाइस अपना काम परफॉर्म करता है, यानी कि अपना टास्क वो एग्जीक्यूट परफॉर्म करता है। ठीक ठीक है, गाइस और कुछ डाउट्स है बेसिक चीजें में? नहीं सर अभी तो नहीं। पक्का करो। शुभम, यस मिकी, नो सर, नो ओके सर। ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको देखो कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, तो मैं इन लेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, थियोरेटिकल पार्ट में OSI मॉडल से पिक कर लूंगा आपके लिए, बाकी जो टेक्निकली चीजें होती है रियल फील्ड का चीज जो TCP/IP मॉडल में है, यानी कि TCP/IP मॉडल का एप्लीकेशन लेयर में क्या है, OSI का इन तीनों डिफरेंट लेयर का काम एक ही लेयर में वो एग्जीक्यूट करता है, तो इन तीनों को मैं जो साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन करूंगा, मैं उसका थियोरिटिकल पार्ट एक्सप्लेन करूंगा और रियल फील्ड में वो किस तरह से काम करते हैं TCP/IP मॉडल में उसको भी साथ साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल उसको समझना है, अगर कहीं पे कुछ दिक्कत होगा तो वहीं पे मुझे रोकना है और पूछना है। ठीक है, तो ठीक जो पहला लेयर है वो है हमारा एप्लीकेशन लेयर। गाइस 1 मिनट, एप्लीकेशन लेयर चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, इट इज द 7th लेयर, OSI मॉडल एंड फर्स्ट लेयर ऑफ TCP और IP मॉडल। TCP/IP मॉडल का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो इसको याद रखना। गाइस 1 मिनट, फिर से कोई नया जुड़ा है? ओके, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड, इट इज यूज टू प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, प्रोवाइड यूजर इंटरफेस इंटरफेस इट यूज टू प्रोवाइड यूजर इंटरफेस बाय व्हिच वी कैन कम्युनिकेट विद द
डिवाइस ओके। बेसिकली क्या करता है ना, एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि यूजर इंटरफेस मींस इट इज अ बेसिक प्लेटफॉर्म ओके, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लाइक हम ह्यूमंस हैं ठीक है। सॉरी गाइस, किसके बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है। विकी इट्स यू। तो बेसिकली ये क्या करता है ना, एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने का मीनिंग यहाँ पे एक्चुअली है क्या, मैं अगर आप आपको एग्जांपल दूं, आप सब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो सर ओके, अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो तो मुझे बात बताओ, जब आप सिस्टम स्टार्ट करते हो वहां पे कुछ प्रोसेस चलता है, प्रोसेस चलने के बाद वो आपका क्या करता है, एक डेस्कटॉप वाले स्क्रीन पे छोड़ देता है। यानी कि मैं सर अगर बात करूं, अगर आपका विंडोज सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है ना, वो इस तरह से एक स्क्रीन के ऊपर आपको छोड़ रहा है, तो इस स्क्रीन को हम क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं डेस्कटॉप। और ये स्क्रीन आने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो डेस्कटॉप है, हम उसको क्या कर सकते हैं, हमारा जो टास्क है हम उसको परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, लैपटॉप को यूज करना, पीसी को यूज करना, तो उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ठीक है। तो बेसिकली ओएस, सॉरी हमारा जो एप्लीकेशन लेयर है वो क्या करता है ना, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लाइक ह्यूमंस डिवाइस के साथ क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। लाइक हम डिवाइस पे क्या करते हैं, हम डिवाइस को यूज करते हैं हमारे टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो वो टास्क किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, हम कहां पे उसको एंट्री करेंगे, डिवाइस किस तरह से उसको जान पाएगा कि यूजर मुझे कुछ टास्क के लिए यूज कर रहा है, फिर मुझे कोई टास्क प्रोवाइड कर रहा है। तो वो सारे चीज को मैनेज करने के लिए वो एक इंटरफेस बनाता है, जिस इंटरफेस को हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं ना, डिवाइस के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारा रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। गॉट इट। लाइक सर डेस्कटॉप प्रोवाइड हुआ तो वो इस टाइप का कह रहे हो आप? हाँ, जो हमारा डेस्कटॉप है, अगर डेस्कटॉप नहीं होता तो क्या आप कोऑर्डिनेट कर पाते, अब हमारा नहीं जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं कर पाते। अगर मैं बात करूँ मोबाइल पे, मोबाइल पे जब आप स्टार्ट करते हो, लॉक स्क्रीन हटाने के बाद जो होम स्क्रीन है, जी इट इज सर द फर्स्ट स्क्रीन और द फर्स्ट प्लेटफॉर्म बाय विच यू कैन कम्युनिकेट ओके विथ योर मोबाइल फोन। तो सर ये रास्ता दिखाएगा हमें। यस, बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है, लाइक इट इज द ओनली वन सरफेस बाय विच वी कैन कम्युनिकेट। लाइक अगर आप कोई इंसान से बात करोगे, मतलब जी सर किससे अगर कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो वो तो वही बात बोलेगा, आप जैसे बोलेगा हाय हेलो बोलोगे तो वो आपसे हाय हेलो बोलेगा, उसका तो सर अंदर बाहर कुछ पता नहीं है ना आपको। ये पर तो है। डिवाइसेस का अगर बात करें तो डिवाइस का लैंग्वेज डिफरेंट होता है ठीक है। डिवाइस वहां पे क्या करता है ना, डिवाइस वहां पे मशीन लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और उसका सारे का सारा जो काम होता है वो मशीन लैंग्वेज पर ही डिपेंड करता है ठीक है। पर यहाँ पे मेजरली बात ये होता है, हम जो टास्क देंगे उसको करने के लिए, तो वो टास्क हम किस तरह से देंगे, कहाँ देंगे, कि जी सर वो हमारा डिवाइस उस पर्टिकुलर टास्क को आइडेंटिफाई कर सके और वो हमारे लिए परफॉर्म करके हमारे सामने प्रेजेंट कर सके। ऐसे तो कोई पॉसिबिलिटीज है नहीं ना, जी सर तो उसी वजह से हमारा डिवाइस यानी कि कोई भी डिवाइस को प्रॉपरली यूजर के साथ कम्युनिकेट कराने के लिए वहां पे क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर इंटरफेस हमारे सामने प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि जो सिस्टम होता है, फिर जो डिवाइस होता है वो खुद हमारे सामने उसको प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू हम क्या कर पाए, उस इंटरफेस के थ्रू डिवाइसेस को प्रॉपरली मैनेज कर पाए, या फिर डिवाइसेस के ऊपर प्रॉपरली कोई टास्क को एग्जीक्यूट कर पाए। तो दैट पर्टिकुलर इंटरफेस इज नोन एज द यूजर इंटरफेस। बेसिकली यूजर इंटरफेस का जो मोड होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस व्हिच इज नोन एज GUI, सॉरी GUI, एंड सेकेंड वन इज द CLI, व्हिच इज नोन एज द कमांड लाइन इंटरफेस ओके। तो अभी विंडोज सिस्टम का अगर देख रहे हो, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इमेजेस यूज हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चीजों को आइडेंटिफाई कराने के लिए। तो जहां पे इतने सारे इमेजेस, और इसको बोल सकते हैं इमेजेस मीन्स द ग्राफिक्स, जहां पे ग्राफिक्स वगैरह का ज्यादा यूज कर रहे हैं हर एक चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, या फिर कोई कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उतने सारे चीजों को हम क्या बोलते हैं ना, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को और उस पर्टिकुलर इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। अगर मैं CLI की बात करूं तो वो कुछ इस तरह से आपका डॉस की तरह दिखेगा,
आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा, यानी कि ब्लास्ट स्क्रीन जहाँ पे आपको सिर्फ टेक्स्ट ही मिलेगा, नो ग्राफिक्स। आपको बस क्या करना है, टेक्स्ट आपको वहां पे जो कमांड एंटर करना है वो एज ए टेक्स्ट वहां पे एंटर करना है, और जहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लाइक अगर मैं आईपी एड्रेस चेक करूँ, कमांड दे देता हूँ आईपी कॉन्फिग स्लैश ऑन, तो इस तरह से आपको आउटपुट मिल जाएगा, हियर इज माय आईपी एड्रेस। सर ये लिनक्स टर्मिनल टाइप मतलब यस, लिनक्स का जो टर्मिनल है एग्जैक्टली सेम, ठीक ये सर है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आ जाएगा। नहीं, ये जो डॉस मैंने अभी आपको दिखाया जहाँ पे व्हाइट स्क्रीन के ऊपर आप वहाँ पे स्टेटमेंट दोगे, वहाँ पे टेक्स्ट एंटर करोगे और वो आपको आउटपुट देगा, इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, क्योंकि वहाँ पे ग्राफिक्स यूज नहीं होता लाइक लिनक्स पे उसका जो टर्मिनल है। पर अभी विंडोज की बात कर रहा हूँ, अभी जो उसका डेस्कटॉप आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टास्क, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट चीजें वहां पे डिफरेंट डिफरेंट इमेज के थ्रू क्या हो रहे हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं। लाइक यहाँ पे कुछ फोल्डर्स हैं, फोल्डर्स का मतलब ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि कुछ पर्टिकुलर स्टोरेज स्पेस के लिए ये सारे यूज हो रहे हैं। दिस पीसी व्हिच इज यूज्ड टू, इसका मतलब क्या है ना, ये एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हमारा पूरा का पूरा डिवाइस मैनेज होता है। तो इस तरह से क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट इमेज हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं GUI प्लेटफॉर्म, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, सर गॉट इट। सो ये बेसिकली हमारा हो गया थियोरिटिकल पार्ट। लाइक अगर आप OSI मॉडल की बात करोगे तो OSI मॉडल बस ये स्टेटमेंट आपके सामने रख दिया, और उस पे आपने क्या किया ना, वहां पे ये बता दिया कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां पे आपको OSI मतलब एप्लीकेशन लेयर पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, उन प्रोटोकॉल्स का अगर आप यूज करोगे तो सक्सेसफुली यूज होने के बाद वो वहां पे क्या करेंगे ना, आपस में इजिली कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दू, वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, अगर मैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को इंफॉर्मेशन या फिर रिसोर्सेज वगैरह नेगोशिएट करना चाहता हूँ, तो वहां पे एक प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं FTP। एक मिनट, वहां पे एक प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं FTP। FTP होता है हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हमारा डिवाइस कैपेबल होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक कोई इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड करने के लिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे POP3 या SMTP की, तो ये दो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इन दोनों को थ्रू हम क्या करते हैं ना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे ईमेल फॉरवर्ड करते हैं। सो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स बाय व्हिच यू कैन चूज देम टू डू योर टास्क, लाइक टू परफॉर्म योर टास्क। अगर आपको डिवाइस के ऊपर कुछ टास्क वहां पे परफॉर्म करना है तो आप उनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल को चूज करोगे और उसको क्या करोगे, यूज करके आपका जो टास्क है वो एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। पर यहाँ पे कहाँ पे OSI मॉडल तो इस तरह से उसने क्या कर दिया, प्रॉपरली डिस्क्राइब कर दिया, पर एक्चुअल में ये किस तरह से रियल फील्ड में इंप्लीमेंट होके वो काम करेगा उसका वहां पे कुछ दिक्कत, मतलब कोई प्रॉपर पाथ उनको नहीं मिला, ठीक है। जब बाद में हम उसको सक्सेसफुल इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, जब उसको बाद में इंप्लीमेंट करने की चीज आई, तो हमने वहां पे क्या क्या एक नया मॉडल बनाया जो था हमारा TCP/IP मॉडल, ठीक है। तो TCP/IP मॉडल क्या डिफाइन करने लगा, TCP/IP मॉडल के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन लेयर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सर्विसेज, यानी कि वो वहां पे क्या करेगा, सर्विसेज को आइडेंटिफाई करेगा। एक्चुअली सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल में जो जो स्टेटमेंट डिफाइन किया, TCP/IP मॉडल एग्जैक्टली सेम चीज को ही डिफाइन किया यहाँ पे कर रहा है, ऐसा कोई नहीं है कि वो टोटली डिफरेंट चीज डिफाइन कर रहा है, पर वहां पे वो टेक्निकल टर्म कुछ यूज कर रहा है, ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। जी तो किस तरह से ये चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं ना, वो TCP/IP मॉडल में जो एप्लीकेशन लेयर है वो ये बताता है कि इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सर्विसेज। अगर मैं यहाँ पे एक बात बताऊं, लाइक अगर आपको खाना खाना है, अगर आप कोई बड़े वाला रेस्टोरेंट को चूज करते हो, तो रेस्टोरेंट में आप खाना खाने के लिए जब जाते हो ना, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, कोई आपको वहां पे कार को पार्क करता है, कोई आपको अंदर वेलकम करता है, कोई आपको वहां पे अटेंड करता है, कोई आपको मेनू देता है, तो दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ पीपल, सॉरी वेरियस टाइप ऑफ पर्सन दैट यू हैव एवर मेट देयर। ओके, तो वहां पे जिन जिन लोगों के साथ आप मिलते हो
वो वहां पे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और वो प्रॉपरली अपने रोल प्ले करने के बाद आपका जो वहां पे मेन टास्क है, यानी कि आपका जो मेन टास्क वहां पे क्या है, वो है खाना खाना। वो टास्क आप क्या करते हो, परफॉर्म करते हो। तो एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए आप वहां पे क्या किए, मतलब आपका जो खाना खाने की बात है, खाना खाने के बाद आप क्या बोलते हो, यहाँ पे खाना और सर्विस क्या है, अच्छा है। सर्विस का मतलब जो पूरा पूरा एक पर्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां पे जो इतने सारे लोगों के साथ आप इंटरेक्शन किए, जो डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रहे थे। तो टीसीपीआईपी मॉडल ने क्या किया, वो ये स्टेटमेंट दिया कि अगर डिवाइस के ऊपर आप कुछ टास्क को एग्जीक्यूट, मतलब टास्क को कुछ परफॉर्म कर रहे हो, अगर वहां पे आप कुछ टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हो और वो टास्क के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है ना, मल्टीपल प्रोटोकॉल को अगर आप यूज कर रहे हो, तो वो एक्चुअली प्रोटोकॉल्स नहीं है, वो वहां पे एज ए सर्विस क्या हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहे हैं, जिनको हम यूज करके क्या कर रहे हैं ना, दोनों डिवाइस के ऊपर कोई पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात देखूं तो आज के जो डिवाइस है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग डिवाइस बोलते हैं, यानी कि हम उनको मल्टीपर्पज, यानी कि एक डिवाइस के ऊपर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने का एबिलिटी हमारा सिस्टम आज रखता है, और हम उसको परफॉर्म भी करते हैं उसके ऊपर। तो अगर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारा डिवाइस हाँ मल्टीपल सर्विसेज को यूज करता है, ठीक है, तो मल्टी टास्क यानी कि मल्टीपल टास्क को एक पर्टिकुलर टाइम में भी एग्जीक्यूट करने का एबिलिटी रखता है। उस चीज को अगर मैं कंसिडर करूं तो वहां पे मल्टीपल टास्क के लिए हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज भी अवेलेबल है। तो उन उतने सारे सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना, उनको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए टीसीपीआईपी मॉडल में क्या हुआ, मैं टीसीपीआईपी मॉडल जो ओएसआई मॉडल बता रहा था कि वहां पे प्रोटोकॉल यूज होते हैं टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए, तो टीसीपीआईपी मॉडल ने उसको ये किया क्या, कैंसिल किया, मतलब उसको इग्नोर किया, और ये कॉन्सेप्ट लाया कि आप पर्टिकुलर टास्क को एक एग्जीक्यूट करने के लिए वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज, एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो वो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल चाहिए, पर ओवरऑल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो वो वहां पे ये बता रहा है कि वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए वो प्रोटोकॉल जो रोल वहां पे प्ले कर रहे हैं, वो वहां पे कोई इंडिविजुअल रोल ऐसा नहीं है कि वो एक प्रोटोकॉल को हम यूज करेंगे और पूरा पूरा टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वो एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे वेरियस मतलब मल्टीपल प्रोटोकॉल का हमें यूज करना पड़ता है। तो वहां पे जो रोल वो प्ले कर रहे हैं तो वो एक सर्विस टाइप रोल है। तो इस वजह से टीसीपीआईपी मॉडल ने क्या किया, उनके एप्लीकेशन लेयर पे उन सारे प्रोटोकॉल्स को वहां पे क्या कर दो, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल थे उनको एज ए सर्विस वहां पे डिक्लेयर कर दिया। तो उतने सारे सर्विसेज को मैनेज करने के लिए वहां पे क्या कॉन्सेप्ट लेके आए, जो उसने क्या किए ना, उन सारे प्रोटोकॉल को मैनेज करने के लिए एक मतलब लॉजिकल नंबर के साथ हर एक सर्विसेज को बाइंड कर ली। तो उसने हुआ क्या ना, लॉजिकल नंबर के थ्रू हम एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे पाए कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर सर्विस को, ठीक है। अगर मैं ओएसआई मॉडल की बात करूं तो वो वहां पे प्रोटोकॉल से, अगर टीसीआईपी मॉडल की बात करूं तो वो वहां पे क्या है, एज ए सर्विस यहाँ पे कंसिडर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे एफटीपी, तो एफटीपी को टीसीपीआईपी मॉडल में कुछ इस तरह से नंबर में ऐड कर दिया गया, लाइक 2021। अगर मैं बात करूं टेलनेट, एक पर्टिकुलर सर्विस है, ठीक है, ये क्या होता है, ये वहां पे काम करता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो नंबर वहां पे डिफाइन कर देगा वो 23, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल जो यूज होते हैं कोई भी टास्क को, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज, सॉरी टीसीपीआईपी मॉडल में उसको हम बोलते हैं बेसिकली सर्विसेज। तो उन सर्विसेज को जो हम यूज करके पर्टिकुलर टास्क को वहां पे कंप्लीट कर रहे हैं, और उन टास्क को, उन पर्टिकुलर सर्विस को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो, और आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम वहां पे क्या कर रहे हैं, लॉजिकल नंबर यूज कर रहे हैं, तो लॉजिकल नंबर्स को हम बोलते हैं पोर्ट नंबर्स। उन पर्टिकुलर लॉजिकल नंबर्स का हम क्या बोलते हैं ना, पोर्ट नंबर्स बोलते हैं। तो पोर्ट नंबर्स की अगर प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो वो ये कुछ होगा ना, द लॉजिकल नंबर्स व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर सर्विस इज नोन एज द पोर्ट नंबर्स। यानी कि कोई भी लॉजिकल नंबर जो एक पर्टिकुलर सर्विस को आइडेंटिफाई करता है, उस लॉजिकल नंबर्स का हम क्या बोलेंगे, पोर्ट नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। सर,
लाइक जैसे कोई पोर्ट, मतलब कोई पोर्ट पे सर्विस चल रही होती है, तो वो उस चीज का बोल रहे हो आप? और सर ये सब में सेम होता है या हर वेबसाइट पे अलग अलग होता है? मतलब वहां पे मल्टीपल सर्विसेज होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज होते हैं सेम एक्चुअली. नहीं होता है? ओके नहीं वो सेम नहीं होता, ठीक है. जी सर। तो वहां पे आपको ऐसा नहीं कि कोई सेम ही डिवाइस के ऊपर सेम ही टाइप के सर्विसेज मिलेंगे. अगर डिवाइसेस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के टास्क हम कर रहे हैं ना, तो वहां आपको डिफरेंट टाइप्स के सर्विसेज मिलेंगे, ठीक है. तो इतने सारे सर्विसेज हैं तो उनको मैनेज करने के लिए हमने क्या क्या पोर्ट नंबर्स को बना दिया गया. और जो पोर्ट नंबर्स है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ना, 16 बिट्स का होता है. 16 बिट्स का मतलब अगर उसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो वैल्यू किस तरह से आएगा ना, 6,55,36 तक आएगा. तो काउंट हमारा 0 से स्टार्ट होता है और 0 हमेशा सिस्टम सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करता है. तो यहाँ पे जो काउंटिंग है वो 1 से स्टार्ट होके 6,55,35 तक जाता है, ठीक है. जी सर। आपके कोर्स के हिसाब से, मतलब आपका जो सीएच है उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे ये जो स्ट्रक्चर है, आपका जो रेंज है जिसके थ्रू हम सर्विसेज को डिफाइन करते हैं, ये जी बेसिकली सर। दो हिस्सों में डिवाइडेड है. एक होता है हमारा वेल नोन पोर्ट नंबर्स. वेल नोन पोर्ट नंबर्स का मतलब क्या होता है ना, कोई भी नंबर अगर आप चूज करो तो वहां पे आपको डेफिनेटली एक पर्टिकुलर सर्विस अटैच मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है. तो इस जी पर्टिकुलर जो रेंज होता है वो 1 से स्टार्ट होकर 1024 तक जाता है. और दूसरा जो रेंज है वो है हमारा डायनामिक डायनामिक पोर्ट नंबर्स, जहां पे ये वैल्यू आपका 1025 से स्टार्ट होके 6,55,35 तक जाता है. तो ये जो रेंज है इसमें से आप कोई भी नंबर अगर पिक करोगे तो वहां पे आपको सर्विसेज अटैच नहीं मिलेगा, ठीक है. फिर अच्छा इसका सर, जो डा, डा, यस बता पूछो. हाँ ये सर जो भी आपने बताया कि सर्विस नहीं मिलेगा डायनेमिक में से अगर आप कोई नंबर यूज करते हो ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसके साथ पूरा कोई नंबर अटैच है. ये पर्टिकुलर रेंज में से आपको क्या नहीं मिलेगा, कोई भी नंबर इस पे अटैच होता हुआ आपको नहीं मिलेगा, जी सर। ठीक है. और इसका जो पर्पस है वो आपको बता दूंगा, लाइक इसका पर्पस आपको बता देता हूँ. ये मल्टीपर्पज के लिए यूज होता है. तो जो डायनामिक पोर्ट नंबर्स है, जो वेल नोन पोर्ट नंबर है, अगर ये फुल हो गया, इनका से अगर ये फुल हो गया, अगर हमें नया सर्विसेज डिफाइन करना पड़ा तो हम क्या करेंगे. तो इस डायनामिक पोर्ट नंबर में से एक्चुअली एक रेंज है जिसको बोलते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स, जो स्टार्ट होता है 1025 के हिसाब से लेके 49151 तक. तो इस रेंज के अंदर में से वो जो पोर्ट नंबर्स है उनको हम यूज करके उस सर्विसेज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. ये पहला टास्क है. दूसरा क्या है ना, सर्वर के ऊपर अगर हम सेम सर्विस के लिए मल्टीपल मल्टीपल सिस्टम से अगर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट पीसी को डिफरेंट डिफरेंट यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए भी हमारा वहां पे क्या होता है, डायनामिक पोर्ट वहां पे रोल प्ले करता है, ठीक है. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टास्क को यूज करने के लिए पोर्ट नंबर्स को डिजाइन किया गया था. जो उसका एक पार्ट है जहां पे वो सर्विसेज को डिफाइन करता है, दूसरे पार्ट में वो क्या करता है, उन सर्विसेज को प्रॉपर ऑर्डर पे मैनेज भी करता है, ठीक है. जी सो दीज आर द बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ आवर एप्लीकेशन लेयर. जो मैंने यहाँ पे आपको बताया वो एक तो बताया आपको ओएसआई मॉडल के अकॉर्डिंग, दूसरा मैंने बताया आपको टीसीपी मॉडल के अकॉर्डिंग. सो गाइस किसको कुछ डाउट्स है यहाँ तक. विकी, शुभम, गौरव, यस सर। कुछ डाउट्स है यहाँ पे कुछ आपको यहाँ तक.